हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू संगम्स वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। हम हैं अभी गांव में और आज आ गए हैं हम बैंक कुछ काम के लिए। पापा गए हैं बैंक, मैं और अयांश बैठे हैं गाड़ी के अंदर और अयांश को मिल गया है उसका फेवरेट टॉय। पर ये जो टॉय है ये है बिल्कुल बड़ा, मतलब हाँ अयांश को मिल गया है एक ट्रैक्टर। हाँ ट्रैक्टर है। अयांश आपको बहुत अच्छा लगता है ना ट्रैक्टर चलाना? कितना अच्छा लगता है? कितना? चलो इधर देखकर बताओ। अरे वाह, अयांश को ना इतना अच्छा लगता है ट्रैक्टर चलाना, है ना? हम कहाँ है, कहाँ है अयांश? ट्रैक्टर कहाँ है बताइए? तो ये जहाँ हमने गाड़ी खड़ी की है बस वहीं पर दिख गया है हमको एक ट्रैक्टर। और अयांश का तो किसी का ठिकाना नहीं रहा कि उसे बस यहीं दिख गया है ट्रैक्टर। और अयांश का जो मोस्ट 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 फेवरेट टॉय है वो है ट्रैक्टर। और जहाँ कहीं भी उसे दिखता है ट्रैक्टर खिलौना तो वो बिल्कुल खरीदवा लेता है। और अगर कहीं दिख गया उसको ट्रैक्टर तो बस उसको चलाना है। अयांश नहीं करो, उधर गिर जाएगा और ले जाएंगे उधर बाहर के लोग। तो हम दोनों जो हैं बैठे हुए हैं अभी। अयांश को ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा पसंद है और कुछ दिन पहले हम लोगों ने लिया है अयांश के लिए साइकिल, जिसको वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। अयांश को ट्रैक्टर बहुत ही ज़्यादा पसंद है स्टार्टिंग से ही, और जहाँ कहीं भी देखता है वो बिल्कुल एकदम कूद पड़ता है कि मुझे चलाना है, मुझे देखना है, मुझे छूना है, मुझे लेना है। तो इस टाइम पे इस एज के बच्चे जो हैं उनको उतनी समझ नहीं होती कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पर आप उनका इंटरेस्ट देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन फ्यूचर उनका एक्टिविटी, उनका इंटरेस्ट अरे वाह किस चीज़ में होगा। ये देखिए अयांश को क्या मिल गया, क्या मिला? हाँ क्या है वो, क्या है बताइए क्या है अयांश, क्या है वो? व्हाट इज दिस? हाँ मम्मा का दवाई है, अयांश को मिल गया है मम्मा का दवाई। ओ माय गॉड, नहीं करो वो गिर जाएगा। वो देखो फिर से आ गया ट्रैक्टर, वो देखो। तो अयांश को इतना ज्यादा, अरे नहीं नहीं नहीं, अयांश को मिल गया है, अगर मैं इसका नाम अगर बोल दूं तो अयांश जो है झूम उठेगा और बिल्कुल लगाना शुरू कर देगा, इसलिए मैं नाम नहीं लूँगी। अयांश को भी पता नहीं है कि वो क्या चीज है। क्या है अयांश, क्या है वो? ओ माय गॉड, अयांश को ये भी पता है कि ये लिपस्टिक है। हो गया मेरा लिपस्टिक का कबाड़ा। अयांश लिपस्टिक नहीं लगाते हैं बेटा। हम वहाँ पर हॉस्टल में रहते हैं जहाँ मेरे साथ रहती हैं बहुत सारी गर्ल्स। तो अयांश जो है ना उसका एक्टिविटी नहीं मुंह में नहीं। हाँ बस हो गया। अयांश जो है जैसा वो लोग करते हैं बिल्कुल वैसा ही सारी चीज़ें करता है, लिपस्टिक लगाता है, नेल पेंट लगाता है, मैंने कई वीडियो में आपके साथ शेयर भी किया है, और नेल पेंट लगाता है, काजल लगाता है, बिंदिया लगाता है। तो अब उसको मिल गया है लिपस्टिक। अयांश गाड़ी में नहीं लगाएंगे। ये देखो ये लिपस्टिक गिर रहा है, ये दिखाओ इसको दिखाओ, मैं घर में जाकर लगाएंगे, ठीक है? घर में लगाएंगे ना, अभी पापा डांटेंगे। हाँ और खाएंगे तो चलो लिपस्टिक को रख देते हैं बेटा। तो इस तरह के इस अभी का जो एज है उसमें बच्चे बस वैसे ही करते हैं, जो सामने देखते हैं उनको ये नहीं पता कि ये गर्ल्स का आइटम है या बॉयज़ का है, उनको ये नहीं पता अभी। तो हाँ एक चीज़ और है कि अभी जब अयांश छोटा था तो मैं उसे फ्रॉक पहनाती थी, वो ईज़िली पहन लेता था, पर अभी वो फ्रॉक में और टी शर्ट में डिफ्रेंस उसको पता है। अगर मैं उसको फ्रॉक पहनाऊँ तो वो बिल्कुल पहनता नहीं है, चिल्लाता है।
वहाँ पर अभी उसको लिपस्टिक, नेल पेंट और काजल बिंदिया के बारे में नहीं है पता, इसीलिए वो अभी भी लगाता रहता है, जब भी देखता है तो वो बिल्कुल अभी दिखाती हूँ आपको क्या कर रही है। अयांश, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, लिपस्टिक बस नहीं लगाओ बेटा। ओ माय गॉड, मैंने बोला ना शुरू में कि मेरा लिपस्टिक का होने वाला है आज कबाड़ा, तो अयांश क्या कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं अयांश लगा रहा है लिपस्टिक, वो भी अपने लिप्स में नहीं बल्कि इस बॉटल में। ओ माय गॉड, मेरा लिपस्टिक हो गया पूरा खराब, अब मैं क्या करूँगी। सॉरी फ्रेंड जया, ये देखो मेरा लिपस्टिक जो तुमने मुझे गिफ्ट किया था ना, उसका अयांश ने आज कर दिया है पूरी तरह से कबाड़ा, और देखते हैं उसकी हालत क्या हो गई है। दिखाइए 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 प्लीज़, ये ख़त्म हो गया, अब मैं इसको रख दे रही हूँ। बड़ी अयांश वो मुझे दे दो बेटा, ये मुझे दे दो, वो ख़त्म हो जाएगा, ये दे दो ये दे दो, ये देखिए उसका कंटिन्यू चलता ही रहेगा। अभी वो देख रहा है कि मम्मा कहाँ उसको छुपाई है, और अभी अभी जो बच्चे हैं इस एज के जो बच्चे होते हैं वो अगर ब्राइट कलर देख लिए, बड़ी बड़ी सी कोई बड़ी शेप वाली कोई चीज़ें देख लिए, ब्राइट कलर की कोई चीज़ देख लिए, या कुछ ऐसा मतलब कुछ अलग सा कोई चीज़ अगर वो देख लिए ना, तो उस उधर जो है ये ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इसी समय में इनको कलर का, शेप का, और ठंडी का, गर्मी का एहसास होता है, या इस चीज़ को वो लोग समझ पाते हैं, या इस चीज़ को वो लोग जानते हैं इसी एज में। आप बिल्कुल ट्रैक्टर के पास, क्योंकि अयांश से रहा नहीं जा रहा था, और अयांश बार बार कोशिश में लगा है कि मैं इसको ट्रैक्टर में बैठाऊं, पर ट्रैक्टर की हालत देख सकते हैं। क्या करेंगे, ट्रैक्टर चलाएंगे, कहाँ बैठेंगे आप, किसमें बैठेंगे, ड्रीन ड्रीन करेंगे। ओ माय गॉड, मैं अपना बेटा को कहाँ ट्रैक्टर में बैठाऊं, ये देखो वो भी छिया, ये देखो ये देखो ट्रैक्टर की हालत, ये देखिए सामने वाला चक्का, ये देखिए ये पीछे वाला चक्का, ये ट्रैक्टर की हालत बहुत ही ख़राब है। पर अयांश जो कि मानने का नाम नहीं ले रहा है, ट्रैक्टर चलाएंगे। अरे बाप रे, अब क्या करें, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, अयांश को चलाना है ट्रैक्टर, उधर पापा आ गए। चलो हम दोनों अयांश के साथ आ गए हैं घर वापस, और पापा को हम लोगों ने छोड़ दिया वहीं, वो अपना काम करा रहे हैं, और हम दोनों आ गए हैं वापस। तो बस हम लोग पहुंच गए हैं, और ये देखिए यहाँ का सुंदर सा व्यू फिर से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और दीदी ओ देखो दीदी, ओ देखो बुआ 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 नहाने गए थे। ओए बाबू, वो देख तो बुआ क्या बोल रही है, क्या कर रहा है, बदमाशी। बाबू का केवल बदमाशी चलता है ना बेटा, बदमाशी कर। हाँ, कुछ भी गए थे हम लोग भी। हाँ पापा को छोड़े उसके बाद आ रहे हैं। एकदम ठंडा लग रहा है, बहुत ठंडा है। ठीक है आना घूमने। हाँ ये देखिए अयांश की बदमाशी इधर चल रही है, और हम लोग मिल लिए बुआ से, अब हम जा रहे हैं घर की ओर। अयांश चलो हटो 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 हटो, देखो पैर हटाओ पैर हटाओ। क्या करें, अयांश जो है बदमाशी तो करता रहता है, पर कोई नहीं, मम्मा और अयांश आ गए हैं वापस, और अयान जो है बार बार कर रहा है एसी को ऑन, क्योंकि सुनेगा नहीं। अब मुझे सीधा घर में गाड़ी को खड़ा करना पड़ेगा, और सीधा मुझे करनी पड़ेगी गाड़ी को बंद, तब जाके हमारा एसी होगा बंद, वरना अयान का बदमाशी चलता रहेगा। और ये हम पहुंच गए हैं वापस, अब देखते हैं घर में क्या काम करते हैं। मम्मा घर पहुँच गए हैं ना, और बड़ी मम्मी जो है वो आ गई, और
ये देखिए हमारा गेट जो है खुल गया। ये रहा भोलू जो हमारा इंतजार कर रहा था। फाइनली आई रीच्ड होम। ये इधर कंटिन्यू है पर मैंने बंद कर लिया है अपनी गाड़ी। अगर मेरा वीडियो अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आता है तो मेरे ब्लॉग को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम पहुंच गए हैं फाइनली घर, तो ब्लॉग को करते हैं यहीं पर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, से बाय अयांस। वो देखिए अयांस ने फिर से गाड़ी ऑन कर ली है। तो बड़ा रिस्क है अयांस के साथ चलना या इतने छोटे जो बच्चे आते हैं उनके साथ चलना। अब मैं निकालूँगी इसको घर से, सॉरी गाड़ी से बाहर। अब मैं चलती हूँ, बाय बाय।